श्रवण कुमार। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में श्रवण कुमार नाम का एक बालक रहता था। उसके माता पिता अंधे थे। वह अपने माता पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करता था, उनके सभी कार्य करता था, उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देता था। एक दिन, बेटा, तुम्हारी माता जी और मेरी ये इच्छा है कि हम तीर्थ यात्रा करें, लेकिन हम लोग तो अंधे हैं, इसलिए स्वयं चलकर नहीं जा सकते हैं। पता नहीं हमारी ये इच्छा कैसे पूर्ण होगी। पिताजी, आप लोगों की ये इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। पुत्र, हमें तुम पर गर्व है, परंतु ये कैसे होगा? मैं आप दोनों को कांवर में बैठाकर यात्रा पूरी कराऊंगा। श्रवण कुमार ने एक बड़ी कांवर बनाई और उसमें माता पिता को बैठाकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। कई जगह की यात्रा करने के बाद एक दिन वे जंगल से गुजर रहे थे। शाम का समय था, अंधेरा हो रहा था। पुत्र, हमें प्यास लगी है, हम जल पीना चाहते हैं। अच्छा पिताजी, आप लोग यहीं बैठे रहिए, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। श्रवण कुमार पास में बहती नदी से जल लेने के लिए गया। कमंडल पानी में डुबाते ही गड़गड़ की आवाज हुई। उसी जंगल में रात के समय राजा दशरथ शिकार करने आए थे। उन्होंने गड़गड़ की आवाज सुनी और जानवर की आवाज समझकर उसी दिशा में बाण चला दिया। बाण श्रवण कुमार की छाती में जा लगा। हाँ पिता, हाँ माता, मुझ निर्दोष पर किसने बाण चला दिया? आवाज सुनकर दशरथ दौड़कर वहां पहुंचे, परंतु जानवर की जगह श्रवण को देखकर पश्चाताप करने लगे। हे ईश्वर, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया? दशरथ श्रवण को अपना परिचय देते हुए माफी मांगने लगे। तब श्रवण ने कहा, हे राजन, मेरे माता पिता पास ही एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, वे प्यासे हैं, उन्हें ये जल पिला देना। इतना कहकर श्रवण ने अपने प्राण त्याग दिए। दशरथ पानी लेकर श्रवण के माता पिता के पास गए। आओ पुत्र, तुमने बहुत देर लगा दी, आप लोग ये जल ग्रहण कर लें। अपरिचित आवाज सुनकर श्रवण के माता पिता घबरा गए। आप कौन हैं? मेरा पुत्र कहाँ है? दशरथ ने श्रवण के माता पिता को पूरी बात बताई। उनकी बात सुनकर श्रवण के माता पिता विलाप करने लगे। हाँ पुत्र, हाँ पुत्र, हे राजन, तुमने हमारे पुत्र को मारा है, आज हम लोग अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं। तुम्हें शाप देते हैं कि तुम भी हमारी तरह ही अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। श्रवण कुमार एक आज्ञाकारी, माता पिता की सेवा करने वाला बालक था। हमें भी श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए।